सूदी लोन लेने वाली कंपनी में जॉब। मोहम्मद साकिब दिल्ली से पूछते हैं कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूं वो लोन लेकर काम करती है तो मेरी सैलरी हलाल होगी या हराम। आजकल जितनी कंपनियां भी हैं तकरीबन ज़्यादातर मेरे ख्याल है 99% यही कर रही हैं कि वो बैंकों से सूदी लोन लेती हैं। तो ये जहन में रखिए कि लोन लेना सूद पे ही बिल्कुल हराम नाजायज़ है, मगर उस लोन से जो आप कारोबार शुरू करेंगे वो कारोबार हराम नहीं होगा, क्योंकि जो लोन में आपको जो रकम दी जाती है वो रकम बजाते ख़ुद हराम नहीं होती, वो लोगों की बचतें होती हैं जो बैंकों में पड़ी होती हैं, बैंक वही हलाल रकमें उठा के आपको दे देता है। और अगर उसमें कोई हराम रकम हो भी तो उसका रेशो बहुत थोड़ा होता है। तो जब वो रकम आपके पास आती है आप उससे बिज़नेस करते हैं और फिर आप बैंक को जो सूद देते हैं वो सूद की रकम वो हराम रकम होगी, उस सूद की रकम से कोई कारोबार किया जाए तो वो कारोबार हराम होगा। तो लोन लेके सूदी लोन लेके कोई भी बिज़नेस किया जाए वो बिज़नेस हराम नहीं होगा, लेकिन गुनाह मिलेगा कि आपने सूद पे लोन लिया क्यों, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूद की वजह से अल्लाह ताला चार किस्म के आदमियों पर लानत भेजते हैं, सूद का देने वाला, सूद लेने वाला, सूद लिखने वाला और सूदी लेन देन पर गवाह बनने वाला।